बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग अगर दुबई में इस वक्त विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो विज़िट वीज़ा है ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों डिले हो रहा है। पहली बात जो है वो वहाँ पर दुबई में अभी छुट्टियाँ चल रही हैं अल-यौमुल-वतन की, यानी नेशनल डे की छुट्टियाँ हैं, तो ऑफिस वगैरह बंद हैं। इसके अलावा जैसे ही ऑफिस वगैरह खोलेंगे तो हो सकते हैं आपका वीज़ा कन्वर्ट होने लगे। लेकिन दूसरी वजह यह है कि हो सकते हैं आपका वीज़ा विजिट वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला हो, तो आपने क्या करना है अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा लेना। अगर आपके वीज़े में 5, 6 दिन या 10 दिन रहते हैं, आपका विजिट वीज़ा जो है एक्सपायर होने वाले, इसको आपने एक्सटेंड लाजमी करवाना है। अगर आप लोग एक्सटेंड नहीं करवाएंगे तो आपके ऊपर फ़ाइन पड़ना शुरू हो जाएगा। फ़ाइन जैसे ही पड़ेगा आपका वीज़ा फिर एक्सटेंड सॉरी कन्वर्ट नहीं होगा आपका वीज़ा, आपको लाजमी फ़ाइन पे करना पड़ेगा और आपको एक दफ़ा फिर एग्ज़िट होना पड़ेगा दुबई से। इसलिए जो लोग भी विज़िट वीज़ा के ऊपर दुबई में मौजूद हैं, या तो वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें जब तक छुट्टियाँ, या जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके पास आप ये समझते हैं कि अभी दुबई में छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो आपने क्या करना है जल्द से जल्द अपना वीज़ा रेजिडेंट के ऊपर, वर्क वीज़ा के ऊपर आपने अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना है। आपने अपनी कंपनी से कहना है अगर मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ किसी भी वजह से, तो आप लोगों ने आप लोगों के ऊपर ये जितना भी फ़ाइन पड़ेगा आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, आपने हमें वीज़ा जो है एक्सटेंड करके देना है किसी भी तरह। अब आप हमारे जिम्मेवार हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी में आप जाके जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, ऑफ़र लेटर कंपनी ने आपको दे दी है, आप लोग काम के ऊपर जा रहे हैं, फिर आप लोग इस तरह कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसी तरह ही दुबई में मौजूद हैं, जिन लोगों का अभी तक ऑफ़र लेटर वगैरह नहीं किया, सिर्फ जॉब के सिलसिले में गए हैं और वहाँ पे जाके फंस गए हैं क्योंकि वहाँ पे छुट्टियाँ हो गई हैं, तो छुट्टियों में तो आप लोग किसी भी जगह अप्लाई नहीं कर सके। जितने भी ऑफिस होते हैं ये गवर्नमेंट के, ये सारे बंद हो जाते हैं जैसे ही वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं, कोई भी इस तरह का नेशनल डे होता है। एक दूसरी बात सुनने में आई है कि दुबई ने 1,000 दिरहम का नोट जारी कर दिया, लेकिन ये किस हद तक सच है अभी कंफर्म नहीं किया जा सका, ना ही हलीज टाइम के ऊपर अभी तक कोई इस तरह का आर्टिकल आया है। जैसे ही कोई आर्टिकल आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो और साथ बन घंटिया दबा दो ताकि मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।